वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ऐसी ऑफिशियल अपडेट, किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी ऑफिशियल जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर को हम लेकर करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू पॉलिसी के मुताबिक मेजर और माइनर और उसके अलावा काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किए गए हैं। तो उस इशू करने के बाद उनके बच्चों के जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज किए जा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं, उनकी असेसमेंट भी कुछ बच्चों ने उन सब्जेक्ट की दे चुके हैं। तो आज जो है वो यूनिवर्सिटी उनके सब्जेक्ट चेंज कर रही है। तो ये बच्चों के साथ एक नाइंसाफ़ी की जा रही है, ना कि बच्चों के लिए एक बेहतर सोचा जा रहा है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो बच्चों का साथ दे और बच्चों के सब्जेक्ट जो हैं पहले से वही रहने दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो विद इन डेज जो है वो आ जाएगी, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स सेम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है, क्योंकि उनकी अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और डेट शीट जो है वो पहले से उन्होंने निकाल दी है फिफ्थ सेम की। और थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट अभी पेंडिंग है, तो वो डेट शीट भी विद इन डेज जो है वो आने वाली है। तो बच्चों को चाहिए कि वो लापरवाही ना करें, उसके साथ साथ ही कि वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। तो उसके साथ तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा यही रहेगा कि फर्स्ट सेम की डेट शीट भी आने वाली है विद इन डेज, थर्ड की भी और फिफ्थ सेम की फाइनली डेट शीट आ चुकी है। और हम इस टाइम ये देख सकते हैं आप फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2023 जो 23 में होंगे, और उसके साथ CBS रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के भी इसी के साथ जो है वो होने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, 2 बजे रहने वाली है और उसके साथ ये 22/2/2023 से शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है इस मंथ से पहले हो सकता है, क्योंकि जनवरी के मंथ में उनका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से पहले ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर की डेट शीट की, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो कब शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं सेमेस्टर सिक्स की जो डेट शीट है वो भी आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये सेमेस्टर सिक्स की डेट शीट है और इसमें रेगुलर और प्राइवेट का एग्ज़ाम जो है वो एक ही टाइम में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है इसकी टाइमिंग जो है वो रहने वाली है 2 बजे। तो इसके बाद जो है इसकी जो पेपर की जो डेट है वो 30/5/2023 को ये कंडक्ट फर्स्ट पेपर जो है करवाया जा रहा है सेमेस्टर सिक्स का रेगुलर स्टूडेंट का, तो प्राइवेट का भी उसी के साथ होने वाला है। तो ये कोई फेक डेट शीट जो है वो नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ये निकाली गई है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके वहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। तो किसी भी इशू के रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर जो है वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो ओल्ड पेपर की बात करें तो हमारे ने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसका ओल्ड पेपर का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF के ज़रिए जो है किसी भी सेमेस्टर का पेपर जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजी से, आगे पीछे आपको ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।